कुछ समय पहले हमने आपसे सवाल पूछा था कि चंपावत में आखिर कौन है आवत। साफ तौर पर बहुत से लोगों ने एक तरफा एक ही व्यक्ति का नाम लिया था, एक ही पार्टी का नाम लिया था। पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, व्यक्ति थे पुष्कर सिंह धामी। जब कांग्रेस पार्टी ने निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा था तो शायद कांग्रेस पार्टी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि अच्छा चुनाव लड़ना भी है, सही तरीके से चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, जो विपक्ष की भूमिका होती है वो निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। खैर इन सब बातों पे चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड का जो उपचुनाव है चंपावत विधानसभा का, वहाँ से जीत चुके हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी रिकॉर्ड मतों से, 54,000 वोट से अधिक वोटों से वो जीत चुके हैं। निर्मला गहतोड़ी को मात्र मिले हैं 3,607 वोट। और निर्मला गहतोड़ी ने अपने ही पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। निर्मला गहतोड़ी ने अपने पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि हमारे इस प्रचार में, इस उपचुनाव में किसी भी कार्यकर्ता ने साथ नहीं दिया, किसी भी बड़े नेता ने आकर के चुनाव में जो प्रचार प्रसार होता है वो भी नहीं किया। अच्छा, अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो आप एक बार अपने मेमोरी मैप को घुमाइए और सोचिए एक बार कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता क्या चंपावत उपचुनाव में कहीं दिखा? क्या कोई बड़ा नेता चंपावत उपचुनाव में दिखा? क्या कांग्रेस पार्टी के लोगों का झंडा डंडा बैनर कहीं दिखने योग्य कहीं स्थिति थी? जबकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करेंगे तो जैसे ही स्टार प्रचारकों का जिक्र आया, स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट आई, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की, इसके बाद बड़े बड़े नेता, कैबिनेट स्तर के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हो सकते हैं सभी चंपावत उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने पहुंचे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चंपावत में पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट मांगने पहुंचे, यानी कि वहां पर भी वो जाकर के उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की निर्मला गहतोड़ी का इसीलिए इस बात का जिक्र कहना है कि आखिर मेरे इस चुनाव में कोई आकर के साथ क्यों नहीं दिया। और दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक मजबूत विपक्ष न हो तब तक स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना गलत है, अन्याय है। तो सोच करके देखिए कि क्या मजबूत विपक्ष की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष से कहीं ज्यादा पीछे जा चुकी है। अगर आप कोई खेल खेल रहे हैं तो क्या अंत तक उस खेल को अपने दिलो जान से नहीं खेलेंगे? लेकिन यहां पर साफ तौर पर यह देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने शायद खेल ही नहीं खेला। और यही कारण है कि जो सांसद का इलेक्शन है, राज्यसभा सांसद का इलेक्शन है, उसमें भी अभी तक कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात का पता है कि शायद कांग्रेस पार्टी ये चुनाव भी नहीं जीत सकती है। और निर्मला गहतोड़ी को उतार तो दिया था मैदान में, पर कोई भी तैयारियां शायद नहीं थी। मैं ये बात कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जमानत हो गई है जब्त। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी जो कि सेकेंड अपोजिशन लीडर के रूप में मानी जाती है, इतनी बड़ी अपोजिशन पार्टी के रूप में मानी जाती है, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का इस तरीके से जमानत जब्त हो जाना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के थिंकिंग के ऊपर, उनकी रणनीति के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी की इस करारी हार जिसमें जमानत जब्त हो गई है, इसको लेकर के क्या कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आकर के करण महाराज जी कोई जवाब देंगे? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर फिर से पुनर्विचार करेगी, या कांग्रेस पार्टी ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद अब कहीं भी कांग्रेस पार्टी की स्थिति उत्तराखंड में मजबूत नहीं होने वाली है? आगे आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी बहुत सारी जो जानकारियां होंगी दोस्तों हम आपको देते रहेंगे, उसमें भी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य जो पार्टियां हैं उन पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहता है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि चंपावत में जो उपचुनाव हो रहे थे, इस उपचुनाव में 54,000 से अधिक वोटों से पुष्कर सिंह धामी जीत चुके हैं। यानी कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा से चुनाव हारे थे, इसके बाद उनको विधायक दल का नेता चुना गया था, मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद विद इन 6 महीने एक इलेक्शन कराना जरूरी था और उस इलेक्शन के लिए कैलाश गहतोड़ी जी ने अपना सीट छोड़ा और उसी सीट से चुनाव लड़े पुष्कर सिंह धामी। और अब रिजल्ट आ चुका है, पुष्कर सिंह धामी की भारी मतों से विजयी घोषित हो चुके हैं, उनकी जीत दर्ज हो गई है और वो जीते हैं 54,000 से अधिक वोट और कांग्रेस पार्टी की हो गई जमानत जब्त। इन सभी खबरों को लेकर के दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ लिखना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए, आप खुश होकर के अपने दिल से लिखिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के कमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।